नमस्कार दोस्तों, मनु क्रिएटिव गार्डन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे सकुलेंट हार्डी प्लांट की जिसे हम मनचाहे आकार में ढाल सकते हैं और बहुत ही हार्डी प्लांट है। तो आइए दोस्तों, पहले मैं अपने प्लांटर पे थोड़ी सी क्रिएटिविटी कर लेती हूँ। देखिए दोस्तों, ये सुपर क्ले है और सुपर क्ले से मैं इसमें सामने थोड़ा सा ट्री का लुक आ जाए इसमें इस तरह से थोड़ा डिज़ाइन बना लेती हूँ पहले। और सुपर क्ले से बहुत ही अच्छा डिज़ाइन हम कहीं भी बना सकते हैं, कुछ भी, और बड़ी आसानी से बन जाता है। इस तरह से ये पत्तियों का लुक देते हुए और इसमें छोटे छोटे और इस तरह से फूल लगाने के बाद ये एक बहुत सुंदर लुक तैयार होगा इस प्लांटर का। तो दोस्तों, बात करते हैं इस सकुलेंट जेड प्लांट की। ये बहुत हार्डी प्लांट है और ये बोनसाई बनाने के लिए भी बहुत परफेक्ट प्लांट है, और हम इसे किसी भी आकार में, किसी भी शेप में ढाल सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये मेरा एक छोटा सा, मैंने कटिंग लगाई थी, मुझे 6-7 महीने हुए। इसमें नीचे की साइड भी काफ़ी सारी पत्तियां थी, ब्रांच थी, वो मैंने सब कट कर दी हैं। इस तरह से मैंने 2-3 बार इसकी प्रूनिंग कर दी है। इसका स्टैम्प देख के दोस्तों बोनसाई का लुक लगता है, लेकिन हाँ, कुछ समय बाद ये ज़रूर एक बोनसाई बन के तैयार हो जाएगा मेरा। लेकिन अभी मैं इसे एक छोटे से ट्री की शेप दूंगी इस तरह से। जो एक्स्ट्रा ब्रांचेस थी इसमें, नीचे काफ़ी सारी ब्रांचेस निकली हुई थी, वो सब मैंने इसमें कट कर दी इस तरह से। दोस्तों, जितनी इसकी प्रूनिंग करेंगे ये प्लांट उतना ही ज़्यादा बुशी होगा और इसकी स्टैम्प उतनी ज़्यादा थिक होगी। इस प्लांट में दोस्तों पानी की बहुत कम रिक्वायरमेंट रहती है, लेकिन बहुत से नर्सरी वाले इसे इंडोर प्लांट कह के देते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूँ, ये बिल्कुल भी इंडोर प्लांट नहीं है। ये फुल सनलाइट का प्लांट है और इसे पूरे दिन की अच्छी धूप चाहिए, जब ही ये पौधा अच्छी तरह से ग्रो करेगा। दोस्तों, मेरे एक बार जेड प्लांट सारे बारिश से फंगस लगने के कारण ख़राब हो गए थे, जब मुझे इतनी नॉलेज नहीं थी इसके बारे में। लेकिन अब अपने एक्सपीरियंस से मुझे पता चल गया कि इन्हें बारिश के पानी से बचाना चाहिए और इन्हें फुल सनलाइट में रखना चाहिए। तो दोस्तों, मेरे पास काफ़ी सारे जेड प्लांट हैं और मैं एक एक करके आपके साथ सबको शेयर करूंगी। ये देखिए दोस्तों, ये कटिंग करने के बाद मेरे पास कुछ ये कलरफुल स्टोन थे, जो मैं इसमें एक ट्रे गार्डन का लुक दूंगी। और ये जो बुद्धा का स्टैचू है, ये मैंने एक छोटी शीशी थी उस पर मैंने वॉल पुट्टी की हेल्प से ये बनाया है। सारे ये मिनिएचर गार्डन के जो आइटम्स हैं दोस्तों, मैं ये खुद ही बनाती हूँ। मैं ये बिल्कुल भी कभी भी मार्केट से बाय नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे खुद बनाना ही अच्छा लगता है। छोटी छोटी चीज़ों से हमारा ट्रे गार्डन इतना सुंदर बन के तैयार होता है। तो ये देखिए दोस्तों, ये कलरफुल स्टोन इसके चारों तरफ लगाने के बाद, ये बीच में मैंने थोड़ी जगह छोड़ दी है। यहाँ पर मेरा एक मैट है ग्रीन ग्रास का, उसमें से थोड़ा सा मैं पीस निकाल कर इसमें सामने लगाऊंगी। तो ये देखिए, इस तरह से मैंने इसमें स्टोन को अच्छी तरह से फैला दिया है। ये देखने में बहुत ही सुंदर लुक आ रहा है इसका। तो दोस्तों, हम वेस्ट चीज़ों से बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बनाकर अपने गार्डन को सुंदर बना सकते हैं। मैं भी छोटी छोटी चीज़ें बनाकर इस तरह से अपने ट्रेड गार्डन को डेकोरेट करती हूँ। और दोस्तों, ये जेड प्लांट बहुत ही ज़्यादा हार्डी प्लांट है और मुझे ये बहुत पसंद है। तो दोस्तों, आप भी अपने गार्डन में जेड प्लांट लगाइए और फुल सनलाइट में रखिए, इसकी अच्छे से केयर कीजिए। तो दोस्तों, अब मैं इसमें
सोच रही हूँ कि सामने एक छोटा ग्रास का टुकड़ा लगा दूँ जिससे इसका लुक और भी इन्हेंस होगा। ये देखिए दोस्तों, ये छोटी सी पट्टी निकाल के मैंने ग्रास की इसके सामने लगा दी है और इससे इसका लुक बहुत ही सुंदर लग रहा है। मैंने इसकी जो सुपर क्ले है इसकी छोटी छोटी मैंने डक भी बनाई हैं जो मैं इस ट्री गार्डन में अपने यूज़ करूँगी। ये देखिए दोस्तों, जो खाली जगह है उसे स्टोन से फील कर लेंगे। देखिए दोस्तों, ये छोटी छोटी डक मैंने सुपर क्ले से बनाई हुई हैं। एक ऑरेंज कलर की है और एक ये पिंक कलर की। ये सब बनाना मुझे बहुत ही अच्छा लगता है और अपनी बनाई हुई चीज़ों से बहुत खुशी मिलती है। ये देखिए दोस्तों, कितनी सुंदर लग रही हैं। और इसके बाद मैं यहाँ, मेरे पास एक पॉन्ड्स कोल्ड क्रीम की खाली शीशी थी जो उसका ऊपर का ढक्कन होता है, उसमें मैंने वॉल पुट्टी भर के और मैंने छोटी छोटी ये मशरूम बनाई हैं। इसको मैं यहाँ रखूँगी। ये देखिए कितनी प्यारी लग रही हैं ये। ये देखिए छोटी छोटी मशरूम, ये मिनिएचर गार्डन के बहुत ही सुंदर लगते हैं दोस्तों। ये छोटी छोटी चीज़ों, वेस्ट चीज़ों से हम बहुत ही सुंदर डेकोरेट कर सकते हैं हम अपने गार्डन को। तो देखिए दोस्तों, ये कितना सुंदर लग रहा है। इसके बाद दोस्तों, जो हमारी कटिंग बच जाती हैं, जो ब्रांच हमने कट की थी, और हम उनको बिल्कुल भी फेंकेंगे नहीं, बल्कि उनसे हम नए प्लांट प्रोपोगेट करेंगे कटिंग लगाने के बाद, और वो अच्छे से ग्रो हो जाएंगे। तो ये देखे दोस्तों, मेरे पास एक ये खाली प्लांटर बचा हुआ था और ये कटिंग जो मैंने अभी कट की है, मैं इस प्लांटर में एक एक करके ये ग्रो करूँगी इस तरह से। इस तरह से दोस्तों मेरे दो अच्छे प्लांटर तैयार हो जाएंगे। ये देखिए, और बहुत ही जल्दी ग्रो कर जाती हैं ये। बस एक बात का ध्यान रखना चाहिए, इसे कम पानी देना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा पानी में इसकी स्टेम्स गल जाती हैं। इनमें खुद ही पानी होता है इसकी लीव्स में। इस तरह से हम सारी कटिंग ग्रो कर लेंगे। तो दोस्तों, आपको अगर ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैप्पी गार्डनिंग।